गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम जोशी स्वागत करता हूँ आप सभी का ट्रिकी डोज पे। दोस्तों, हम हर वेडनेसडे और सैटरडे को डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स को, और करंट अफेयर्स में हम डिस्कस करते हैं नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल के सभी करंट अफेयर्स को। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 2 जुलाई से लगाकर 4 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। इम्पोर्टेंट डेज में दोस्तों, आज के दिन यानी कि जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेटिव्स। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेटिव्स की बात करें तो इस साल 98th इंटरनेशनल कॉपरेटिव डे मनाया जाएगा। इसके बारे में बात करें तो ये इंटरनेशनल कॉपरेटिव अलायंस के द्वारा मनाया जाता है और 1923 से शुरुआत हुई थी इसकी। अगर दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जो कॉपरेटिव सेक्टर्स है और जो उनके कंट्रीब्यूशन है उनको अप्रिशिएट करने के लिए और उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये हर साल मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको स्वीकार किया और उसके साथ में ये हर साल मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस और जो इंटरनेशनल कॉपरेटिव अलायंस है वो दोनों साथ में मिलकर थीम डिसाइड करते हैं, और इस साल की थीम रखी गई है कॉपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। अगर इस थीम की बात करें तो दोस्तों, आप सभी अभी करंट कंडीशन से वाकिफ है दुनिया की, कितना ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन बढ़ गया और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए और उसी के सपोर्ट के लिए इस साल की थीम रखी गई है कॉपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा गया है इस साल का। दोस्तों, एक बार इसके बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल क्लाइमेट अलायंस, सॉरी कॉपरेटिव अलायंस के बारे में। इंटरनेशनल कॉपरेटिव अलायंस की बात करें तो ये एक कॉपरेटिव फेडरेशन है। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो 1895 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में, और की पीपल की बात करें तो एरियल गोवार को है जो कि प्रेसिडेंट है, और 313 फेडरेशन इसके मेंबर हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले दोस्तों डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नागालैंड को डिस्टर्ब्ड एरिया 6 महीने के लिए घोषित कर दिया है। दोस्तों, नागालैंड में अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से नागालैंड को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगले 6 महीने के लिए यानी कि दिसंबर तक। बात करें तो नागालैंड में जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है उसको घोषित कर दिया 6 महीने के लिए। और आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की बात करें तो ये एम्पावर करता है आर्म फोर्सेस को कि वो सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं और ओपन फायर कर सकते हैं अगर नेसेसरी है तो, पब्लिक पीस या पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। दोस्तों, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया 500 मिलियन का प्रोग्राम, स्टार्स प्रोग्राम। दोस्तों, 500 मिलियन का फंड मिला है वर्ल्ड बैंक से स्टार्स प्रोग्राम के लिए। स्टार प्रोग्राम की बात करें तो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम्स। दोस्तों, 6 स्टेट के लिए ये दिया जाएगा, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इन 6 स्टेट के लिए ये फंड दिया गया है ऑनलाइन एजुकेशन और एजुकेशन टीचिंग लर्निंग और रिजल्ट्स टाइम पे हो सके, और स्टूडेंट्स को COVID-19 के कारण कोई समस्याएं ना हो, वो घर पे बैठ के भी अपनी पढ़ाई चालू रख सके, इसलिए ये फंड दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगली न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, गुडनी जॉनसन को आइसलैंड का फिर से प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया है, यानी कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। गुडनी जॉनसन की बात करें तो वो पहले प्रेसिडेंट थे और वापस उनको प्रेसिडेंट चुना गया आइसलैंड का। दोस्तों, इसके अलावा बात करें कैपिटल की तो रिकेविक कैपिटल है, और करेंसी की बात करें तो आइसलैंडिंग क्रोना इसकी करेंसी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो इंडिया ने अप्रूव कर दिया है फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम के लिए लगभग 39,000 करोड़ का बजट पास किया है, और ये पास किया है जो अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी
कैपेसिटी है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, उसको इंक्रीज करने के लिए हाई टेंशन जैसा कि चल रहा है अभी इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स पे, उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये 39,000 करोड़ का बजट पास किया गया है ताकि कुछ फाइटर जेट्स हम खरीद सके। जैसे कि देखिए ये डिटेल्स दी गई है, 21 MiG-29 फाइटर जेट्स रसिया से खरीदे जाएंगे और 12 जो Sukhoi-30 है MKI एयरक्राफ्ट वो खरीदे जाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, और इसके अलावा जो MiG-29 थे वो हमारे इंडिया में थे उनको भी अपग्रेड किया जाएगा। आगे डिस्कस करते हैं न्यूज़ को। अगली न्यूज की बात करें तो केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जो केरला के सिटीजन्स है जो कि बाहर रहते थे अब्रोड या फिर जो अदर स्टेट में काम करते थे और अपनी जॉब को खो चुके COVID-19 पेंडेमिक के कारण, उनके पोटेंशियल और एक्सपीरियंस को यूज किया जाएगा केरला के डेवलपमेंट के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज की बात करें तो HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप किसानों के लिए लॉन्च किया है। इस ऐप की बात करें तो ये बैंकिंग और एग्रीकल्चर दोनों फील्ड में काम करेगा और फोन के थ्रू इनको कनेक्ट करेगा। ई किसान धन की बात करें तो ये देखिए बैंकिंग के अलावा मंडी प्राइसेस, लेटेस्ट फार्मिंग न्यूज, वेदर फोरकास्ट, इंफॉर्मेशन ऑन सीड वेराइटीज, SMS एडवाइजरी और ई पशु आर्ट, किसान टीवी और भी कई चीज़ें ये ऐड कर रहा है इसमें जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। आगे डिस्कस करते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं उनको। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो KK वेणुगोपाल जी थे अटॉर्नी जनरल, उनका टर्म एक्सटेंड कर दिया है। बात करें तो उनका टर्म 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया वेणुगोपाल जी का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, और इनके अलावा इनकी टीम में जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उनका पीरियड भी 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। दोस्तों अटॉर्नी जनरल की बात करें तो ये जो गवर्नमेंट के लिए एक वकील के रूप में कार्य करते हैं, सारे जो लॉ के काम होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ये केस लड़ते हैं एक तरीके से। अगर कोई केस गवर्नमेंट के खिलाफ होता है तो ये गवर्नमेंट की तरफ से केस को रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो ये अटॉर्नी जनरल के सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं, इनके अंडर में काम करते हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज की बात करें तो संजय द्विवेदी जी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ IIMC। IIMC की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसके लिए प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी को डायरेक्टर जनरल घोषित किया गया है। अगर इनकी बात करें संजय द्विवेदी जी की तो ये अभी रजिस्ट्रार ऑफ माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन के अंदर काम कर रहे थे भोपाल में। अगली न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। अगली न्यूज श्रीकांत माधव जी की। श्रीकांत माधव वैद्य जी को चेयरमैन बनाया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो ये इनके चेयरमैन चुने गए श्रीकांत माधव जी, और इससे पहले ये काम कर रहे थे डायरेक्टर, जो IOC के डायरेक्टर बोर्ड है उसमें काम कर रहे थे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1959 में एस्टेब्लिश हुआ था ये। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया ने अपॉइंट किया है इंदिरा मणि पांडे को जो UN बॉडी के एनओए के लिए। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है मणि पांडे जी को इंडियन एनओए यूनाइटेड नेशंस के लिए, और जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनेवा में उन सब के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। अगर बात करें तो ये रिप्रेजेंट करेंगे 25 से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है UN के जिनेवा में उनको, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलाकर। उसके अलावा बात करें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को भी इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे ये।
दोस्तों एनओए की बात करें तो ये एक राजदूत होते हैं जो कि इन बॉडीज के अंदर काम करते हैं, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्विक न्यूज है, उन सबको डिस्कस करेंगे। क्विक न्यूज में सबसे पहले बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश ने साइन किया एक एग्रीमेंट ज्वाइंट वेंचर कंपनी के लिए। इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी की बात करें तो ये एलपीजी बिजनेस के लिए चालू किया गया है, क्योंकि वहाँ पे एलपीजी इंपोर्ट करनी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, इसीलिए उनको अफोर्डेबल एलपीजी प्रोवाइड करवाने के लिए 50-50% की पार्टनरशिप के साथ में ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया है। अगर हम चेयरमैन की बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, तो श्रीकांत माधव वैद्य जी को अभी हमने डिस्कस किया, इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। इसके अलावा बात करें वर्ल्ड बैंक की, नेक्स्ट न्यूज़, तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 750 मिलियन का एमएसएमई एमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोग्राम। दोस्तों कोविड-19 के कारण एमएसएमई को जितना नुकसान हुआ है उस सबको रिकवर करने के लिए 750 मिलियन डॉलर का वर्ल्ड बैंक की तरफ से अप्रूव हुआ है। दोस्त अगर हम वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की बात करें तो डेविड मालपास जी हैं। दोस्तों इंडियन अमेरिकन पुलित्जर प्राइज विनिंग फिजिशियन है, ऑथर है जो सिद्धार्थ मुखर्जी, और हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट है राज चेटर्जी जी। इन दोनों को क्रेनेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क 2020 लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स का अवार्ड मिला है। और बात करें तो ये उनके जो कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए इनके जो अहम योगदान था उसके लिए इनको नवाजा गया है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं, अगली न्यूज़ की बात करें तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फर्स्ट मोबाइल ऐप, नाडा ऐप के नाम से ये चलेगा, और जो भी इंडिया के एथलीट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा कि कौन कौन से ड्रग्स हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो नहीं लेनी है, और ये बैन की हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हमारा घर हमारा विद्यालय योजना। वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जो कि एजुकेशन सिस्टम को प्रोवाइड करवाएगी लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट्स को। दोस्तों सभी राज्य ये स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, से स्कीम्स, और उन सब में हमको बस स्कीम्स का नाम ध्यान रखना है जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं, और स्टेट का नाम ध्यान रखना है कि कौन से स्टेट के द्वारा कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है। अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें मध्य प्रदेश के, तो शिवराज सिंह चौहान जी है। अगली न्यूज की बात करते हैं, स्विगी ने डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ में मिलकर स्विगी मनी के नाम से, जो कि सिंगल क्लिक चेकआउट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाएगा। दोस्तों 36th एडिशन एशियन समिट का ऑर्गेनाइज किया गया है हनोई वियतनाम के द्वारा, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। आसियान कंट्रीज को डिस्कस करते हैं एक बार, आसियान कंट्रीज की बात करें दोस्तों तो अलायंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, और इसमें 10 देश मेंबर है जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज इसके मेंबर हैं। दोस्तों अगली न्यूज डिस्कस करते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया है प्लाज्मा बैंक जो कि कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए काम आएगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो फॉर्मर गवर्नर थे चक्रवर्ती रंगराजन जी, उनको प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अवार्ड से नवाजा जाएगा, उनके जो स्टेटिस्टिक्स लाइफ टाइम अचीवमेंट्स है उनके लिए। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ, कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्किल कनेक्ट फोरम। दोस्तों जो जॉब सीकर्स है उनको एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जैसे कि बाकी सारे स्टेट्स ने भी अपने अपने पोर्टल या फिर एप्लीकेशंस लॉन्च किए गए हैं जो जॉब सीकर से उनको एम्प्लॉयर से कनेक्ट करने के लिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके स्टेट में। चीफ मिनिस्टर की बात करें कर्नाटक के तो BS येदियुरप्पा जी है, और गवर्नर की बात करें तो वजुभाई वाला जी है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, कंटिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रिबार प्रोडक्शन फैसिलिटी लॉन्च की गई है, इनाग्रेट की गई है यूनियन स्टील एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के जो यूनियन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा ये गोबीनगर पंजाब में इनॉग्रेट की गई है। डिस्कस करते हैं आगे,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने मिलकर वर्ल्ड बैंक के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है 250 मिलियन डॉलर का। दोस्तों ये 250 मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट साइन किया गया है, मिडल इनकम या लोअर इनकम सेक्शन है उन सभी को अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मिलकर वर्ल्ड बैंक के साथ में ये एग्रीमेंट साइन किया है। इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर प्लेयर रविंद्र जडेजा जी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है 21st सेंचुरी बाय विजडन, यानी कि विजडन का जो 21st सेंचुरी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया इंडिया से वो रविंद्र जडेजा जी को चुना गया। अगली न्यूज़ की बात करें तो जो वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर क्रिकेटर थे एवर्टन विकीस, उनका निधन हो गया है। अगर उनकी बात करें तो उनका कैरियर 1948 से 1958 तक चला, 10 साल के कैरियर में इन्होंने 48 टेस्ट मैच खेले और 4455 रन बनाए 58.62 की एवरेज से। दोस्तों अगली न्यूज़ की बात करें तो फीच ने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट को कट करके 8% पर ला दिया है, 9.5% से फिस्कल ईयर 2022 के लिए। दोस्तों ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट थी उसमें ये इन्होंने अनाउंस किया है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और ट्रिकी डोज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।